केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 राज्यों में केंद्रीय टीमों को भेजने का फैसला लिया। ये सभी टीमें उन राज्यों में भेजी जा रही हैं जहां कोरोना के ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। ये टीम राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की सहायता के लिए होंगी और वहां कोरोना की रोकथाम में मदद करेंगी। जिन राज्यों में केंद्रीय टीमों को भेजा जा रहा है उनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। ये 10 टीमें स्वास्थ्य विशेषज्ञों की 20 केंद्रीय टीमों के अलावा हैं, जिन्हें पहले ही ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों में भेजा गया था। कोरोना संकट के बीच केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने वाला है। दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर मोदी सरकार 1 साल की उपलब्धियों पर बुकलेट बांटने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 16 मई से पहले सभी मंत्रालयों से उनके 1 साल की उपलब्धियों की संक्षिप्त सूची मांगी है। मंत्रालयों को कहा गया है कि फोकस ऐसी उपलब्धियों की सूची भेजने पर हो जिससे गरीब, महिला, किसान, युवा, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधा फायदा मिला हो। विशाखपट्टनम में एलजी पॉलीमर्स नाम की फैक्ट्री के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले इस फैक्ट्री से गैस लीक हुई थी जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग बीमार पड़ गए थे। इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने फैक्ट्री के बाहर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। कई प्रदर्शनकारी हंगामा करते हुए फैक्ट्री के अंदर भी घुस गए, लेकिन वहां मौजूद पुलिस और सिविल डिफेंस के लोगों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद लोग और भड़क गए। एक प्रदर्शनकारी तो सिविल डिफेंस वालों से भिड़ गया। हालात बेकाबू ना हो इसके लिए वहां और पुलिस वालों को बुला लिया गया, जिसके बाद फैक्ट्री के अंदर हंगामा कर रहे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। थोड़ी देर की मेहनत के बाद प्रदर्शनकारियों से कैंपस को खाली करवा लिया गया, लेकिन ये प्रदर्शन रुका नहीं। फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों की संख्या में इलाके के लोग डटे रहे और फैक्ट्री को इस इलाके से शिफ्ट करने की मांग की। लॉकडाउन के बीच सैकड़ों मजदूर गुजरात के सूरत से बिहार के छपरा पहुंचे। इन मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें गांव भेजने के लिए ट्रेन और बस का किराया वसूला गया। और जब ये लोग छपरा रेलवे स्टेशन पहुंचे तो राहत की सांस ली, क्योंकि इन्हें प्लेटफॉर्म से निकलते ही प्रशासन की तरफ से खाने के पैकेट दिए गए। इसके बाद ये सभी लोग स्टेशन के बाहर खड़ी बसों की तरफ रवाना हो गए। सूरत से श्रमिकों को लेकर के एक ट्रेन पहुंच चुकी है छपरा जंक्शन पर। लगभग 1200 श्रमिक यहां लाए गए हैं और इन श्रमिकों को अलग अलग बसों द्वारा भेजा जा सकता है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये तमाम जो बसें लगी है वो अलग अलग जिलों को जाएंगी। मजदूरों ने दावा किया कि दलालों के जरिए उनसे 1000 रुपए लिए गए, जिसमें सूरत से छपरा तक ट्रेन और छपरा से गांव तक पहुंचाने का बस का भाड़ा भी शामिल है। दलाल के जरिए से टिकट बोला कि मिल जाएगा आप लोगों के लिए जाने के लिए। दलाल ने टिकट, हाँ, तो दलाल से हम लोगों को टिकट मिला। कितना पैसा लिया? 1000 रुपये दिए थे हम लोग।